Hello students, today we will discuss about the next topic of the chapter 2nd, salt. What do you mean by salt? Salt hota kya hai hamare paas? Salt yahan par hum common salt ya table salt ki generally baat nahi karte. Salt ek category hai yahan par aapke paas chapter mein, jiska matlab hota hai combination of acid and base. Acid aur base ke combination se jo aapka product form hota hai, that is the salt. एसिड और बेस, कोई भी एसिड हो सकता है यहाँ पर जनरली आपके पास, जस्ट लाइक H2SO4 प्लस बेस. बेस भी आप कोई भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक आपने लिया बेस CaOH होल ट्वाइस, जिसके साथ हाइड्रोजन आयन होता है वो आपके पास एसिड है, जहां आपके पास OH आयन है वो आपका बेस है. यहां से आप OH आयन हटाएंगे, रिमूव करेंगे, यहां से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, रिमेनिंग पोर्शन आपका होता है SO4 और CA, इसको कंबाइन करिए, देन सोल्ट इज CaSO4. ये आपको क्लियर हुआ? एसिड कोई भी एसिड आप ले सकते हैं यहां पर, कोई भी का मतलब HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3, CH3COOH. मेनली हम ये एसिड्स यूज करते हैं. क्लियर हुई बात आपको? एसिड कौन कौन से आप ले सकते हैं? HCl, HNO3, CH3COOH, H2SO4, CH3COOH आपके पास आ चुका है, H2SO4, H2CO3, दैट इज H2CO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड. आप एसिड इनमें से कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं, जनरली हम ये एसिड्स यूज करते हैं. उसके साथ आप बेस यूज कर रहे हैं, बेस की कैटेगरी में आप यूज कर सकते हैं NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, NH4OH, MgOH होल ट्वाइस, जिसके साथ आप OH लगा रहे हैं. किसी भी मेटल के साथ अगर OH का कॉम्बिनेशन आता है जनरली वो आपका बेस की कैटेगरी में, जनरली हम इन बेसिस का यूज करेंगे रिएक्शंस में. अब क्लियर हुई आपको बात कि हमने कोई भी एसिड लिया H2SO4, उसके साथ कोई भी बेस ले लिया CaOH होल ट्वाइस, तो आपने क्या करना है, यहां से हाइड्रोजन रिमूव किया, यहां से हमने वाटर रिमूव किया. अब जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, CaSO4. ये आपका एक सोल्ट है. सोल्ट की कैटेगरी का मीनिंग क्या होता है, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सोल्ट. क्लियर? इसके बाद आपके पास आता है फैमिलीज ऑफ सोल्ट. फैमिलीज ऑफ सोल्ट का मतलब सोल्ट की डिफरेंट फैमिलीज हैं, सो मेनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज ऑफ सोल्ट. हम फॉर एग्जाम्पल थ्री कैटेगरीज की हम बात करते हैं. अगर सोडियम सोल्ट, सोडियम सोल्ट का मतलब जहां आपके पास एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, सोडियम होना चाहिए. देखिए सोडियम क्लोराइड में सोडियम है, साथ में क्लोरीन है. सोडियम सल्फेट, सोडियम के साथ सल्फेट है, तो ये कौन सी कैटेगरी है, सोडियम सोल्ट की कैटेगरी. क्लोराइड सोल्ट, जहां एक एलिमेंट आपके पास क्या होना चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए. सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड. सल्फेट सोल्ट, सोडियम सल्फेट, सल्फेट कैटेगरी में आ रहा है. कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. क्लियर है आपको? फैमिलीज ऑफ सॉल्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली ऑफ सॉल्ट आएगा आपके पास. ब्रोमाइड सॉल्ट्स, पोटेशियम सॉल्ट्स, किसी भी एलिमेंट की अगर कैटेगरी बनती है तो वो आपकी किस कैटेगरी में आएगा, फैमिलीज ऑफ सॉल्ट की कैटेगरी में आता है. देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, थ्री कैटेगरीज में हमारा सॉल्ट की क्लासिफिकेशन डिवाइड करता है हमारा सॉल्ट्स. फर्स्ट इज एसिडिक सॉल्ट. एसिडिक सॉल्ट का मतलब नाम में ध्यान रखना अपने यहां नेमिंग से. एसिडिक मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट आपका प्रिपेयर होगा, दैट इज अ एसिडिक सॉल्ट. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, आपके पास दोनों कॉम्बिनेशन में जो स्ट्रॉन्ग होगा उसके अकॉर्डिंग नेम होता है सॉल्ट का, दैट इज अ एसिडिक सॉल्ट. आप एग्जाम्पल ले सकते हैं एसिडिक सॉल्ट में, एसिड स्ट्रॉन्ग आपने कौन कौन से लेने हैं, HCl, H2SO4 एंड HNO3. ये थ्री एसिड्स हैं जो आप स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में यूज करेंगे. वीक बेस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को छोड़कर, ध्यान से सुनना इस बात को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को छोड़कर जिसके साथ भी अगर आप OH आयन लगा रहे हैं यूज करते हैं, वो आपके पास वीक बेस में आएगा.
तो हमने यहाँ लिया स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, वीक बेस NH4OH, इनका कॉम्बिनेशन करेंगे। कॉम्बिनेशन में मैंने अभी आपको बताया H को रिमूव करिए यहाँ से, आप OH को रिमूव करिए यहाँ से, इसको कंबाइन करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH आयन को रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन आयन को रिमूव करेंगे, दैट इज CaSO4। सेकेंड कैटेगरी बेसिक सॉल्ट, सेम ऐसे ही जैसे अभी हमने एसिड का बताया, जिसका नाम है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। बेसिक है तो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा, और वीक एसिड का कॉम्बिनेशन आएगा। अभी मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग बेस में क्या लेना, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां वीक एसिड में, स्ट्रॉन्ग एसिड में आपके पास HCl, H2SO4, HNO3, और वीक में हम जनरली यूज करते हैं एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, इनका कंबाइन करेंगे इसको तो OH आयन रिमूव होगा, और यहां से आपके पास H आयन रिमूव होगा, तो आपके पास प्रिपेयर करिए CH3COONa। क्लियर। नेक्स्ट इज KOH H2CO3, H आयन रिमूव, OH आयन रिमूव, दैट इज K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट, और ये है आपका सोडियम एसीटेट, इसका नेम है आपका सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट कैटेगरी इज न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जब कंबाइन होता है तो बनता है आपके पास न्यूट्रल सॉल्ट, और यू कैन सी वीक एसिड एंड वीक बेस भी क्या बनाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट। पहले हम स्ट्रॉन्ग का एग्जांपल ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, H2SO4 लिया यहां, NaOH और KOH, दोनों ही कैटेगरीज में क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। इट प्रिपेयर्स सोडियम क्लोराइड एंड दैट प्रिपेयर्ड पोटेशियम सल्फेट। आप यहां पर वीक एसिड और वीक बेस का एग्जांपल भी ले सकते हैं। वीक एसिड के एग्जांपल हमने दो बात की अभी, सिर्फ एसिटिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, तो यहां यूज किया हमने एसिटिक एसिड। इसके साथ आप ले सकते हैं वीक बेस NH4OH ले सकते हैं आप NH4OH, तो आपका बनेगा क्या, यहां से लेके OH रिमूव करिए, H रिमूव करिए, फॉर्मूला बनेगा आपके पास CH3COONH4। क्लियर। अमोनियम एसिटेट, तो ये आपका क्या होगा, वी न्यूट्रल सॉल्ट आएगा। क्लियर हुई कैटेगरी, एक बार रिवाइज करते हैं दोबारा से। एक बार आपने ध्यान रखना है सॉल्ट एक कैटेगरी है, ये थ्री कैटेगरीज आपके पास, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका, ये स्ट्रॉन्ग है, और ये दोनों आपके किस में आएंगे, वीक एसिड में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, बाकी आप जिसके साथ OH ले रहे हैं वो क्या है आपके पास, वीक बेस होंगे। एसिड और बेस की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट। फैमिलीज में सोडियम सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट, सल्फेट्स, और एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट उससे रिलेटेड होना चाहिए, तो वो सॉल्ट की कैटेगरी में आता है, उसकी फैमिली में आता है। क्लासिफिकेशन, थ्री क्लासिफिकेशन है इसके, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। जो स्ट्रॉन्ग होगा पार्ट, उसके नाम के अकॉर्डिंग उसका सॉल्ट कैटेगराइज होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो बेसिक सॉल्ट। अगर दोनों ही कैटेगरी स्ट्रॉन्ग होगी या दोनों ही कैटेगरी में वीक आएगा, दैट इज प्रिपेयर्ड अ न्यूट्रल सॉल्ट। थैंक यू।